नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुप्त नवरात्र शुरू हो चुके हैं और आपको इन नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज माँ शैलपुत्री जी के नवरात्रे का दिन है। माँ शैलपुत्री जी प्रकृति की देवी है, तो इसलिए या देवी सर्वभूतेषु माँ प्रकृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस मंत्र के जाप के साथ शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला। पूजा आराधना यदि आप कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। इन नवरात्रों की बहुत अधिक महिमा होती है, क्योंकि इन नवरात्रों में यदि आप मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन नवरात्रों में यदि सिद्धियां हासिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इन नवरात्रों में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे नवरात्रे होते हैं ये, और ये सफल नवरात्रे होते हैं। इन नवरात्रों में भी दूसरे नवरात्रों की तरह ही अपने मन को शुद्ध करके आप अपने कार्यों को करेंगे तो बहुत जल्दी लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आज माँ शैलपुत्री जी का दिन है, उनकी पूजा आराधना आप यदि दिल से करके राशि अनुसार कुछ खास पूजा आराधना यदि करते हैं तो विशेष लाभ की प्राप्ति आपको जरूर होगी। तो शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला और शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। यदि मेष राशि आपकी, तो अपने घर के मंदिर में ज्योत जरूर प्रज्वलित करें आज, और अपने घर में एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि मां प्रकृति का स्वरूप है, और प्रकृति स्वरूप आज अगर पौधा आप अपने घर में लगा लेते हैं तो मां शैलपुत्री जी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। मां को लाल चुनरी जरूर अर्पित करें। और अब बात करेंगे वृष राशि की। प्रकृति को आज के दिन नमन जरूर करें। मातृभूमि की मिट्टी को आप यदि अपने मस्तक पर लगाते हैं तो आज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मां की आरती जरूर करें आज। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। यदि मिथुन राशि आपकी, तो मेडिटेशन जरूर करें, मां के भजन जरूर सुने, और नवरात्र का यदि आप व्रत रख सके तो बहुत ही अच्छी बात है, शुभता बनी रहे। बात करेंगे कर्क राशि। शैलपुत्री मां का आवाहन करें, मां को लाल चूड़ियां अर्पित करें, और मौली से मां की पूजा आराधना करते हुए ज्योत प्रज्वलित करें। यदि आपकी सिंह राशि है तो ओम शम शैलपुत्राय फट जाप करें, और घर में पर्वत का चित्र आज के दिन जरूर लगाएं। ऐसा करने से विशेष लाभ आपको मिलेगा। तो घर में जो भी आपके साउथ की दीवार है या फिर वेस्ट डायरेक्शन में दीवार है, वहां पर पर्वत का चित्र आज के दिन जरूर लगाएं। और नॉर्थ या ईस्ट की तरफ यदि कोई दीवार है तो वहां पर शेरावाली मां के चित्र को जरूर लगाएं। ऐसा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और मां प्रसन्न होंगी। बात करेंगे कन्या राशि। अपना ध्यान मूलाधार चक्र में लगाएं या फिर ज्योत जलाकर ज्योत को देखते रहें जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए। लगातार ज्योत को देखते रहें, ऐसा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। गौरी गणेश जी की पूजा आज के दिन जरूर करें। और अब बात करेंगे तुला राशि। भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ना करें, अर्थात तामसिक भोजन आज के दिन ना करें। गुप्त नवरात्र शुरू हो चुके हैं और आज पहला नवरात्र है, इसलिए तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मां को लाल चुनरी अर्पित करें, मां को सुहाग का सामान अर्पित करें, ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। मां को इत्र अर्पित करें और खीर बनाकर खीर का भोग मां को जरूर लगाएं। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो दुर्गा मां की पूजा आज के दिन जरूर करें। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें, मां को लाल चुनरी अर्पित करें, मां को सुहाग का सामान अर्पित करें आज के दिन। बात करेंगे धनु राशि की। मां शैलपुत्री का नाम लेकर आज के दिन अपने घर में एक पौधा
जरूर लगाएं। माँ को हल्दी की माला अर्पित करें, ऐसा करने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होगी। और माँ शैलपुत्री की पूजा में आप स्वयं शामिल जरूर हों। बात करेंगे मकर राशि की। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें, नवरात्र का व्रत यदि आप रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। मां को इत्र अर्पित जरूर करें आप। बात करेंगे कुंभ राशि की। अखंड ज्योत जलाएं, इन नवरात्रों में यदि हो सके, यदि आप सक्षम हैं तो अखंड ज्योत जरूर जलाएं, नहीं तो हर रोज ज्योत अपने हाथ से प्रज्वलित जरूर करें। मां को सुहाग का सामान अर्पित करें और देसी घी से मां के लिए ज्योत जलाना आपके लिए शुभ रहेगा। कोशिश करें देसी घी से अगर ज्योत जला सके तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब बात करेंगे मीन राशि की। मां की आराधना जरूर करें आज, और यदि हो सके तो नंगे पांव घास पर चलें। इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है और मीन राशि आपकी, तो यदि काल पुरुष की कुंडली देखी जाए तो आपकी राशि पैर बनती है। तो इसलिए आज के दिन नंगे पांव चलने से, क्योंकि मां शैलपुत्री प्रकृति की देवी है, नंगे पांव आज घास पर चलने से आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी और आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। मां को पीले फल और गेंदे की माला अर्पित जरूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय माता दी।